उदाहरण 6, यदि भाजक बराबर 3x धन 1, भागफल बराबर 2x ऋण 1, शेषफल 4 हो, तब भाज्य ज्ञात कीजिए। हल, चूंकि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, धन शेषफल होता है, तो भाजक जो है हमारे पास दिया हुआ है 3x धन 1 गुणित भागफल हमारे पास है 2x ऋण 1 धन शेषफल है हमारा 4। अब हमें भाज्य निकालना है, तो सबसे पहले 3x धन 1 को हमको गुणा करना है 2x ऋण 1 से। इसके लिए हम पहले कोष्टक का पहला पद 3x लिखेंगे और दूसरा कोष्टक जो है 2x ऋण 1 को पूरा सामने लिखेंगे, फिर धन 1 को लिखेंगे और फिर इसे 2x ऋण 1 को पुनः कोष्टक को 1 के सामने गुणा करेंगे। उसके लिए लिखेंगे धन 4 बराबर 3x को जब हम 2x से गुणा करेंगे कोष्टक खुलेगा, तो ये हमें प्राप्त होगा 6x की घात 2। 3x को ऋण 1 से गुणा करने पर ऋण 3x, धन 1 को 2x से गुणा करने पर धन 2x, उसी तरह से धन 1 को ऋण 1 से गुणा करने पर ऋण 1 धन 4 बराबर 6x की घात 2। 6x की घात 2 को ऐसे ही लिखेंगे, ऋण 3x धन 2x को जब हम जोड़ेंगे तो हमें ऋण x प्राप्त होगा और ऋण 1 धन 4 बराबर 3। तो इस तरह से हमें भाज्य जो है भाज्य बराबर प्राप्त हुआ 6x की घात 2 ऋण x धन 3। ये हमारा भाज्य बराबर x की घात 2 ऋण x धन 3, यह इस प्रश्न का हल है।